स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आज से हम अपना फर्स्ट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं, व्हिच इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट इज आल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती हूं, ते है आदि लगता है, यही इन सेंटेंसेस की पहचान होती है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। मैं काम करती हूँ, वह काम करती है, वे स्कूल जाते हैं। तो आपने देखा होगा इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्या लग रहा है, ती हूं, ती है, ते है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग फॉर्म करते हैं। मैं काम करती हूँ, आई वर्क। वह काम करती है, शी वर्क्स। वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। अभी आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ वर्क लगाया है, यहाँ पर एस यूज कर दिया, यहाँ पर सिंपल फर्स्ट फॉर्म ली है वर्क की, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ली है। डोंट वरी, मैं आपको आगे पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेंटेंसेस का, कैसे फॉर्म होते हैं, तो आगे आपको सब समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन टू यूज परमानेंट। परमानेंट मतलब जब कोई भी सिचुएशन हमारी परमानेंट होती है, जैसे वी लिव इन इंडिया, इसका मतलब क्या है, इंडिया इज अवर परमानेंट कंट्री, हम हमेशा इंडिया में ही रहते हैं। नेक्स्ट, आई वर्क एज अ टीचर, जॉब भी परमानेंट होती है। मैं आई वर्क एज अ टीचर, इट मीन्स इट्स माई परमानेंट जॉब। आई कैन नॉट से आई एम वर्किंग एज अ टीचर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट्स माई टेम्पररी जॉब, नॉट अ परमानेंट जॉब। वी कैन नॉट से वी आर लिविंग इन इंडिया, नो। अगर हम कहीं भी जाते हैं, सपोज हम किसी कंट्री पूछने गए, तो हमेशा किसी कंट्री को घूमने के लिए गए, तो हर कोई हमसे पूछता है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, और हम हमेशा क्या आंसर करते हैं, वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं। वी नेवर से वी आर लिविंग इन इंडिया, इट इज रॉन्ग। इसका मतलब इंडिया हमारी कंट्री नहीं है, हम कुछ टाइम के लिए आए हुए हैं। तो जो भी परमानेंट एड्रेस होता है, परमानेंट जॉब होती है, ऐसे सेंटेंस में हमेशा यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। नेक्स्ट आता है रूटीन। रूटीन विच वी डू रेगुलरली, जो रेगुलर कोई एक्टिविटी हम करते हैं उसको हम बोलते हैं रूटीन। जैसे आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं डेली कितने बजे उठती हूँ, मॉर्निंग में, तो इट्स माई रूटीन, मेरी हैबिट है, और इट्स माई हैबिट। जब भी कोई हमारी रूटीन होती है, हैबिट होता है, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आई गो टू द टेम्पल डेली, और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, डेली टेम्पल जाती हूँ, इट्स माई हैबिट, इट्स माई रूटीन, मैं ये डेली करती हूँ। नेक्स्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रुथ होता क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ इज अ फैक्ट, इट इज अ साइंटिफिक ट्रुथ। वी डू नॉट डिसाइड, यू डू नॉट डिसाइड, दिस इज अ साइंटिफिक ट्रुथ, और ये कई टाइम से चला रहा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। हम इसको पास्ट में नहीं कर सकते, हम इसको फ्यूचर में नहीं कर सकते, दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट कि सन राइजेस इन द ईस्ट। वाटर बॉइल्स एट 100 degrees Celsius। तो जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट, शेड्यूल। शेड्यूल, आवर क्लास स्टार्ट्स एट 9, तो ये क्लास का क्या हो गया, वो 9 o'clock मॉर्निंग में स्टार्ट होती है, तो इट इज अ शेड्यूल ऑफ क्लास। यस, वी कैन से शेड्यूल इज अ काइंड ऑफ रूटीन, बट क्या डिफरेंस है, रूटीन मैं अकेली बना सकती हूँ अपना, जैसे 6 o'clock उठने का, लेकिन शेड्यूल कब बनता है, जब ग्रुप ऑफ पीपल उस रूटीन को फॉलो करते हैं। जैसे अगर स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्लास 9 o'clock स्टार्ट होता है स्कूल, तो उनको 9 o'clock ही आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है किसी स्टूडेंट्स ने अपना अलग रूटीन बना लिया 10 o'clock, किसी ने अपना जल्दी बना लिया 8 o'clock, तो इट इज अ काइंड ऑफ रूटीन बट फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। आवर फ्लाइट लीव्स एट नून, या द फ्लाइट लीव्स एट नून, जो फ्लाइट है वो कितने बजे निकलती है, नून पर। जो फ्लाइट है वो कितने बजे यहाँ से चली जाएगी, नून पर, तो मुझे एयरपोर्ट नून पर ही पहुंचना होगा। मैं अपने तरीके से इसे मॉर्निंग में नहीं कर सकती, बिकॉज इट इज अ शेड्यूल ऑफ फ्लाइट। अगर इसमें 500 पैसेंजर है, तो उन सबको एक फिक्स टाइम पर वहां पर पहुंचना होगा अपनी फ्लाइट लेने के लिए। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट शोज रिपीटेशन ऑफ वर्क, वो वर्क
कितनी बार होता है वो अक्सर होता है, जैसे रेयरली होता है, बहुत कम होता है, हमेशा होता है। जैसे शी ऑलवेज टेक्स द बस, उसका मतलब क्या है, जब भी वो बाहर जाती है वो किससे जाती है, बस से, यानी उसे अपने स्कूल या कॉलेज जाना होता है तो वो किससे जाएगी, बस से। तो हम कह सकते हैं शी ऑलवेज टेक्स द बस। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, मैं जब भी बोलती हूँ ट्रुथ बोलती हूँ। तो उसमें मेरा रिपीटेशन बता रहा है कि हम कितनी बार चीज को करते हैं, क्या हमारा वो रूटीन है, हम हमेशा करते हैं वो चीज या बहुत ही कम। जैसे आई ऑफन ड्रिंक अ कप ऑफ टी, मैं अक्सर ही चाय पीती हूँ, ऑलवेज नहीं, अक्सर ही मैं चाय पीती हूँ, या यूजुअली इट्स माय रूटीन। बट ये वर्ड्स क्या शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी, वो हम कितनी बार करते हैं और कितनी जल्दी जल्दी हमारा काम पड़ता है उसको करने का। और इस फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए क्या यूज होते हैं, ऑफन, नेवर, समटाइम, यूजुअली, एक्सेट्रा, ऑलवेज, ये सब हमारी फ्रीक्वेंसी शो करते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की, यानी हाउ टू यूज इट, कैसे हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, क्या चीज इसमें यूज होती है। सो सी अफर्मेटिव सेंटेंसेस, बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, मींस जिनमें ना तो कोई नॉट यूज होता है और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड होता है, ना तो हम किसी से क्वेश्चन करते ना किसी चीज में इसमें नॉट यूज होता है, वो सिंपल हम लोग जस्ट आंसर टाइप होते हैं, जैसे मैं वर्क करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, इस टाइप से। तो देखते हैं, आइए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। सभी सेंटेंसेस में यही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस में ही होता है। ये सभी को पता होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे यूज करना है, पर कहां पर कौन सी चीज यूज करनी है ये हम भूल जाते हैं और इसी में ही कंफ्यूजन रहता है। सो स्टूडेंट्स डोंट वरी, मैं हर टाइप्स के सेंटेंसेस में आपको बताऊंगी क्या इसका स्ट्रक्चर है और कैसे यूज करना है। जैसे कि इसमें लिख रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। अब एस या ईएस हम कब ऐड करते हैं और कब नहीं करते, आई वी दे यू, ये जितनी भी चीजें हैं इनके साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे वर्ब की, इनके साथ एस या ईएस यूज नहीं होता। इसके अलावा ही शी इट और यह नेम मतलब है किसी का भी नेम, जैसे सीता, गीता, राम, रवि, किसी का भी नेम हो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे एस या ईएस मतलब या तो एस ऐड होगा या ईएस, अब ये क्या चीज है, ये कैसे ऐड होती है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि वर्ब की स्पेलिंग लिखी कैसे जाती है, मैं मोस्टली वर्ब आपकी उसमें ही कवर करवा दूंगी। अभी हम चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। लेट्स सी द एग्जांपल, मैं अपना पाठ याद करती हूँ, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बस इसी को हम फॉलो करते हैं, बस इसी को फॉलो करना है। मैं यानी कि सब्जेक्ट, तो मैं वहां क्या लिखा है, सबसे पहले क्या आएगा, आई सब्जेक्ट, अच्छा इसके बाद क्या आएगा, लर्न, और उसके बाद मैंने लिखा है एस या ईएस जुड़ता है, और मैंने ये भी बताया एस या ईएस कब जुड़ता है, आई वी और दे यू के साथ। अब इसमें क्या है, आई, यानी कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इसमें एस या ईएस हमारा नहीं जुड़ेगा। और एक और चीज फ्रेंड्स, आप ये भी कह सकते हैं अगर हमारा सेंटेंस सिंगुलर है तो एस या ईएस लगता है, अगर वो प्लूरल होता है तो एस या ईएस यूज नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट आई, क्योंकि आई अकेला है लेकिन इसमें प्लूरल वाला रूल ही फॉलो होता है, ठीक है। तो आई लर्न अपना माई एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, लेसन, हो गया सिंपल। अच्छा चलिए एक और देखते हैं, सीता एक गाना गाती है,
तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इधर? सीता। और गाना गाना क्या है उसका? काम, यानी कि वर्ब। सिंग अ सॉन्ग, पर मैंने यहाँ क्या लिखा है? सिंग्स अ सॉन्ग, क्यों बताइए? अभी इसको देखकर बताइए, सीता सिंगुलर है या प्लूरल? सीता इज सिंगुलर, तो वी विल एड एस इन द मेन वर्ब। हम मेन वर्ब में क्या यूज करेंगे? एस। सीता सिंग्स अ सॉन्ग। एक और एग्जांपल देखते हैं, हम हॉकी खेलते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं ये कवर कर लीजिए, अब ये वाला आप स्ट्रक्चर खुद बनाइए, मेरी वीडियो को पॉज करिए 2 मिनट्स के लिए और खुद बनाइए, मैं इधर अभी बताती हूँ। हम मतलब सबसे पहले वी, ठीक है स्टूडेंट्स, वी। अब वी क्या है हमारा? प्लूरल, ठीक है, यानी इसके साथ एस या ई एस एड नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो खेलना प्ले, वी प्ले और ऑब्जेक्ट हॉकी, सिंपल। अब बताइए इसमें कुछ था, आ गया ना? बस ये मैथड रूल ध्यान रखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में चाहे वो किसी भी टेंस का हो, सब में सेम रूल लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें चेंजेस क्या होता है ना, कभी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, कभी सेकंड, कभी थर्ड, और इसमें तो हेल्पिंग वर्ब अभी यूज नहीं हुई है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है। बस वर्ब सबसे ज्यादा जो चेंजेस आता है ना, वो केवल वर्ब में आता है, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट सेशन में इंट्रोडक्शन जब दिया था टेंस का, तो बताया भी था टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिस्क्राइब द टाइम। टेंस वर्ब का फॉर्म है, यानी उसकी वर्ब से ही हमें पता चलता है ये कौन सा टेंस है, और वही डिस्क्राइब करता है टाइम। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक बात याद रखिएगा, मैं हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगी। अच्छा ये MV1 क्या है? SUV मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है सब्जेक्ट। MV1 मतलब V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और M मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब जो एक्शन वाली वर्ब होती है। इसके अलावा एक और वर्ब आपकी होती है, वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो उसके साथ एड होती है, और इनसे हमें पहचान भी होती है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन चीजों की। अभी नेगेटिव से शुरू हो जाएंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या चीज होती है? जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है ना स्टूडेंट्स, उसमें मेन वर्ब हाइड रहती है, जो मेन वर्ब का वो सॉरी जो तो क्या होती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो हाइड रहती है, और हेल्पिंग वर्ब का काम मेन वर्ब ही करती है कि अगर सिंगुलर है तो उसमें एस या ईएस यूज करके, लेकिन नेगेटिव से ये चेंज हो जाती है। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। अफर्मेटिव सबको अच्छे से समझ आ गया? नहीं तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, एक सेंटेंस मेरा देखिए, और जो दोनों सेंटेंस मैं बनाए हैं मैंने आपको बताए हैं, वो खुद ट्राई कीजिए। अच्छा अब चलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं लग जाता है? मैं ये काम नहीं करती हूँ, मैं काम नहीं करती हूँ, मैं खाना नहीं बनाती हूँ, नहीं लग जाता है, सभी को पता है नेगेटिव। और नहीं के लिए क्या यूज करते हैं? नॉट। अच्छा अब इसमें देखिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बस मैंने यहाँ अफर्मेटिव की जगह क्या लिखा है? नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव करूं, मैंने क्या कहा है? नेगेटिव में नॉट यूज होता है, और अफर्मेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब हाइड थी, जो छिपी हुई वर्ब थी, वो इसमें से सामने आ जाती है। कैसे? मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है ये, बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है। इसी वही अगर इसको मैं नेगेटिव कर दूं तो मेन वर्ब के बाद क्या ऐड हो जाता है? सबसे पहले तो डू और डज, जो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है। मैं नेगेटिव की फ्रेंड्स बात कर रही हूँ स्टूडेंट, अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, सब्जेक्ट अपनी जगह, ऑब्जेक्ट अपनी जगह। आप देखिए नोटिस कीजिए, मैंने क्या कहा था, ये हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब होती है ना, इन्हीं को ही हम चेंज करते रहते हैं, किसी में ऐड हो जाती है, किसी में नहीं होती। तो यहां पर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? ये सिर्फ प्रेजेंट इनडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब होती है। हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होती है, जैसे जैसे आप टेंस पढ़ते जाएंगे आपको सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब पता चलती जाएंगी। इसकी होती है डू या डज, या तो डू लगेगा या डज, और नॉट के लिए तो पता ही है सबको, नहीं। और अब क्या बच गया हमारा इसमें? प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो यहाँ पर एस या ईएस हम देख रहे थे सिंगुलर के लिए। अगर सेंटेंस हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लगेगा, नहीं। अब एस या ईएस कहां पर चला गया?
हेल्पिवर के पास, यानी सिंगुलर में डस और प्लूरल में क्या यूज करेंगे हम लोग, डू। चलिए सेंटेंस देखते हैं। मैं इसमें ही नॉट लगा दूं, मैं अपना पार्ट यार नहीं करती हूं, मैं नहीं कर रही यार, ठीक है मैं नहीं करती हूं। अब खुद बनाने का ट्राई कीजिए। आई, सब्जेक्ट सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनमें कोई चेंज नहीं होता, ये अपनी जगह ही रहते हैं। सबसे ज्यादा जो काम है ना वो हमारा मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब ये बना देते हैं, कभी कुछ ऐड हो जाता है, कभी कोई फॉर्म आ जाती है। अभी आगे आगे आप टेंसेस में पढ़ोगे। आई, आई के बाद मैंने क्या लिखा है, डू या डस। अच्छा बताइए डू आएगा या डस, सेम रूल फॉलो होगा। मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हम लगा रहे थे उसमें डू, और जहां पर एस या ईएस ऐड कर रहे थे वहां पर डस, ये बात ध्यान रखिए। तो इसमें आएगा आई के साथ डू और नॉट। बताइए इसमें कुछ था। अफर्मेटिव अगर सीख लिए ना तो सारे सेंटेंसेस बहुत इजीली बन जाते हैं। अभी मैं इंटरोगेटिव का भी बताऊंगी, ऐसे ही बिल्कुल। देखिए, आई डू नॉट लर्न माई लेसन, बन गया ना। यहां पर वर्ब का ध्यान रखना था, इधर वर्ब का कोई ध्यान नहीं रखना, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, कुछ देखने की जरूरत नहीं, डू और डस का ध्यान रखना है। सीता एक गाना नहीं गाती है। सबसे पहला काम सिंगल आएगी, हमको पता है, मेन वर्ब के साथ कुछ भी ऐड नहीं होगा। अब यहां पर डू नॉट लगा दो, डू नॉट लगा देते हैं। सीता क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ डू लगता है क्या? नो, राइट, सिंगुलर के साथ डज लगेगा। ये देखते जाइए साथ में, जहां मेन वर्ब के साथ एस या ई एस है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ भी ई एस लग जाएगा, ठीक है। ये इससे ले लेती है यहां पर हेल्पिंग वर्ब कि भाई मुझे उधार दे दो, जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में हाइड हो गई थी इससे ले लेती है। ये बात आप ऐसे ध्यान रखिए। हम हॉकी खेलते हैं। अच्छा ये नहीं, ये प्लीज आप खुद बनाइए। हम, मेरी वीडियो पॉज करें और बनाइए। वी और प्लूरल यानी डू नॉट प्ले हॉकी, सॉरी हम हॉकी नहीं खेलते हैं, बन गया। अभी बताइए फ्रेंड्स क्या था इसमें। ओनली दिस स्ट्रक्चर। चलिए अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव हमने सीख लिया, नेगेटिव हमने सीख लिया, अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की, यानी जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि अच्छा पहले इसका स्ट्रक्चर, हमारा अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता था स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब में जो भी चेंजेस होता था एस या ईएस का। अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, जैसे नेगेटिव में होती थी तो हमें डू या डस हेल्पिंग वर्ब में देखना है, तो वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म में रखनी है। बस इसमें आप चेंजेस देख रहे हो, ये वाला जो चेंजेस है ये अफर्मेटिव के लिए यूज होता था ना, अफर्मेटिव, उसके आगे बस क्या लगाया है बताओ, डू या डस, बस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगा देना है। अफर्मेटिव जिसने सीख लिया सारे सेंटेंसेस बना सकता है वो, इसलिए उसको ध्यान से देखिए, हर टेंस का रूल अलग होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बस सब्जेक्ट से पहले क्या लगा देना है स्टूडेंट्स, डू और डस, कुछ नहीं करना, बस हाँ डू और डस में देखना है प्लूरल सिंगुलर, ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूं। इन सबके साथ क्या यूज होगा, डू, और इस सबके साथ डस, बस इतना देखिए। जहां अफर्मेटिव में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे वहां पर डू, और जहां पर आप एस या ईएस लगा रहे थे तो डू को दे दो, आपको ईएस या एस क्या बन जाएगा, डू को ईएस दे दो, डस। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्या वह एक किताब पढ़ता है, अब यहां पर क्या की जगह डू या डस, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंटेंस, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर पढ़ता है, डस, सेम स्ट्रक्चर फॉलो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही, और इसका वर्ब रीड आ बुक। बताइए कुछ है, यही अफर्मेटिव करा के देखिए, इसमें क्या होता ही रीड अ बुक, बस यहाँ पर एस लग जाता क्योंकि हम या डू या डस नहीं कर रहे, लेकिन हमको सिंगुलर कहीं तो शो करना पड़ेगा, डू या डस नहीं होता था तो अफर्मेटिव में क्या लग जाता था आपका एस में। बार बार हर सेंटेंस को इससे कंपेयर करवा रही हूँ जिससे कि आप ये ना सोचे अब हमें ये भी रूल लर्न करना,
ये भी नहीं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और सब हर टेंसेस में आपको यही मिलेगा, कहीं हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, कहीं वर्ब चेंज हो रही है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, आगे पास सीखोगे ना उसमें सेकंड फॉर्म आएगी, कैसे वो मैं सब बताऊंगी, डोंट वरी। और उसमें डू डस की जगह डिड, एक बार आप अच्छे से आप स्ट्रक्चर बनाना सीख जाइए, इसके बाद आगे आपको किसी भी टेंसेस के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, क्या वे यहां काम करते हैं, ये मैंने भी नहीं उठा देती हूं, ठीक है स्टूडेंट, क्या वे यहां काम करते हैं, ठीक है, नहीं है नेगेटिव बताऊंगी मैं आपको। अच्छा, डू या डस, वे प्लूरल डू, वे दे, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं, सब्जेक्ट फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट काम करना, वर्क हेयर, डू दे वर्क, डू दे वर्क हेयर, जैसा भी सेंटेंस आगे कह रहा है, मेन फोकस डू डस सब्जेक्ट और वर्क, बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट वो तो हम लिख ही देंगे, डू दे बताइए कुछ है, और यही अगर अफर्मेटिव होता तो मैं फिर से आपको रिपीट करवा रही हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, वे तो यहां से हम क्या हटा देते, वे यहां काम करते हैं, दे वर्क हेयर, सिंपल, और अगर सिंगुलर होता तो ऐसा लगा देते, बताइए है ना एकदम अफर्मेटिव जैसा ही, बस दुनिया डस आगे लग जाएगा। चलिए, अच्छा इसको ही मैं इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी बना देती हूँ, भाई ऐसे भी तो सेंटेंस होते हैं, कोई ऐसे भी तो पूछता है क्या तुम ये नहीं करते हो, ऐसे भी तो पूछ सकता है। अच्छा अभी मैंने यार नहीं जो लगा दिया था, क्या वे यहां काम, मैं अब यहां पर नेगेटिव वो सब चीज जो भी आपको स्टूडेंट्स लगता है, हर चीज मेरी वीडियो पॉज करिए और नोट करते जाइए, ठीक है, मैं तो ये आपको बता रही हूँ, आप वीडियो पॉज करिए और जितना टाइम लेना है लीजिए और उसको नोट करते जाइए। अब इसमें ही मैं नेगेटिव, इंटरोगेटिव भी है नेगेटिव, अब इसमें क्या होता है, अब नेगेटिव सेंटेंस को आप लर्न कीजिए, याद कीजिए उसमें क्या पढ़ा था, डू नॉट और डज नॉट, अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब लगी रही है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मैंने कहा था बस नहीं के लिए हम नॉट जरूर लगाते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो उसमें डज डू आती थी वो तो हमारी पहले से ही है, दो बार तो हम लगाएंगे नहीं, तो अब यहां पर देखिए बस क्या चेंज होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, स्टूडेंट्स मैं फिर कह रही हूं आप मेरी वीडियो पॉज करिए और नोट्स करते जाइए, नोट्स को बनाते जाइए, जैसे सबसे पहले मैंने विदाउट इंटरोगेटिव बनाया था तो उसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए, अब मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव के साथ बता रही हूं उसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। अब ठीक है, डू दे किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, बस क्या लगा देना है हमको, नॉट, कुछ भी नहीं है, देखकर डर लगता है इसमें नॉट, ये कैसे आ गया, सब में देखिए बस वर्ब का ही इधर उधर चलता है, बाकी कोई चीज नहीं हो रही, वो भी सबसे ज्यादा हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब फिर भी सब्जेक्ट के बाद ही आ रही है, और हर क्वेश्चन में या फिर कह लीजिए हर आगे वाले टेंसेस में मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही आएगी, ऑब्जेक्ट लास्ट में ही आएगा, बस चेंजेस होते रहते हैं, कहीं कुछ ऐड हो रहा है और ये हेल्पिंग वर्ब घूमती रहती है। अभी मैंने आपको सिंगल इंटरोगेटिव बताए थे, अब हम चलते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें हम यस और नो में आंसर नहीं कर सकते, और इसमें क्या लगा होता है, क्वेश्चन वर्ड साथ में लगा होता है, जैसे सिंगल इंटरोगेटिव में मैंने आपको बताया था क्या तुम स्कूल जाते हो, यस, लेकिन इसमें कैसे होगा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो या तुम कहां जाते हो, तो क्या आप इसका आंसर यस और नो में कर सकते हो, नहीं, आपको पूरा आंसर देना पड़ेगा, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आइए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखने में लग रहा होगा ना ये क्या है, डब्ल्यू एच इतना बड़ा हो गया, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप यहां पर देखिए अगर आप डब्ल्यू एच को डाल, डब्ल्यू एच क्या होती है, डब्ल्यू एच फैमिलीज होती है, मतलब जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना उनको हम बोलते हैं डब्ल्यू एच फैमिलीज, वो ज्यादातर डब्ल्यू से और एस से, वेयर, विच, हु, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हूज, एक रह गया व्हाट, दे आर ऑल डब्ल्यू एच फैमिलीज, ठीक है, तो अगर आप बस ये हटा दो तो ये आपको कुछ याद आया, ये सिंगल इंटरोगेटिव में अभी मैंने जस्ट आपको बता कर चुकी हूँ ये, है ना, बस इसके आगे जो भी क्वेश्चन वर्ड या इनमें से जो भी दिया है वो आगे आपको लगा देना है,
देखिए सेंटेंसेस में बताती हूँ कैसे, बिल्कुल सिंपल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। वे कहाँ काम करते हैं? सबसे पहले इसमें क्या लगता है, डब्ल्यूएच फैमिली, जो भी मेंबर इसका लिखा हुआ है, मतलब जो भी क्वेश्चन वर्ड है, कहाँ, वेयर, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आ गया। इसके बाद डू या डस, डू या डू की, डू या डस कब लगाना है, सेम रहेगा, सिंगुलर है तो डस, प्लूरल है तो डू। मैं आपको बार बार बोलकर बता रही हूँ, अफर्मेटिव में भी मैंने बताया, नेगेटिव में भी बताया, इंटरोगेटिव में भी मैंने बताया, सिंगल इंटरोगेटिव में, अब डबल में भी आपको बार बार रिवीजन के लिए बता रही हूँ, इसे आप मत भूलना, कहीं भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद क्या आ गया आपका, वर्क, और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, वेयर डू दे वर्क। और एक और चीज आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे, देखिए इसमें भी स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद ही मेन वर्ब आ रही है, ऐसा नहीं मेन वर्ब पहले ही आ गई, सब्जेक्ट के बाद ही मेन वर्ब आएगी और वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब है बस, जो चेंज होती रहती है, इसमें ये पहले आ गई लेकिन इससे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया, बस यही आपको ध्यान रखना है, कुछ भी टफ नहीं है, बाकी इसमें स्ट्रक्चर सबका सेम है। एक बार अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पता चल जाए आपको, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंसेस का। बस टेंसेस में आप क्या सीखते हैं, आपको कौन सी वर्ब यूज करनी है, यानी हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की फॉर्म में कुछ चेंज तो नहीं करना, उसकी फॉर्म तो नहीं चेंज होनी है, उसको फर्स्ट फॉर्म रखना है, सेकेंड फॉर्म रखना है या थर्ड फॉर्म रखना है, बस यही। लेकिन स्ट्रक्चर हमेशा ही सेम है, आप ये चीज नोटिस कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, वह स्कूल कब जाता है? अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, अब डू लगाऊं या डस, डू लगाऊं, सिंगुलर लग रहा है ना, लेकिन ये तो क्या लगेगा इसमें, डस, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए, अच्छा मैंने यहां पर दिया है, जैसे सिंगल इंटरोगेटिव में नेगेटिव होता है, ऐसे इसमें भी डबल इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव पूछा जाता है ना, तुम क्यों नहीं करते ये काम भाई, तुम क्यों नहीं करते हो, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो, इसी टाइप से सिंगल इंटरोगेटिव में मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है अगर उसमें आपका नेगेटिव भी शामिल होता है, और इसमें भी सेम, कोई चेंज नहीं, हमेशा नॉट सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा हमारी इंटरोगेटिव में जो मिस्टेक्स हो जाती है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, हम डायरेक्ट वाई, इसमें मेन तौर पर ये देखिए, मेनली डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में Why does not या do not, क्योंकि हम नेगेटिव का ध्यान में रहता है, उसमें do not does not एक संग आते नहीं, यहाँ पर अलग हो जाते हैं। इंटरोगेटिव में not अगर हमें लगाना है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगा। तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो, Why, अब do, अब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ही आएगा not, इसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं, देखिए ये आ गया, वाई आ गया, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आ गया, डू या डस, ये क्या हो गया आपका, मैंने भी बताया सब्जेक्ट आ गया, और ये आ गया आपका नॉट, ये आ गया आपका वर्ब, और ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ठीक है, कुछ भी सब्जेक्ट, उसके बाद ही मेन वर्ब आ रही है, उसके बाद ही आपका क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा जब सेंटेंस बाद में चेक करते समय, और नोट्स बनाते रहिए आप मेरी वीडियो को पॉज करके, जिससे आपको सब ध्यान रहे, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब ठीक है, मैंने बता दिया, लेकिन आपने सुना है ना स्टूडेंट्स, बोलते हैं एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट, या एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो यहां पर भी एक्सेप्शंस है, टेंस के साथ नहीं, हर में होंगे, इन क्वेश्चन वर्ड के साथ, जो डब्ल्यू एच फैमिलीज है ना, इसमें कुछ मेंबर ऐसे हैं जो इस रूल को थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। अब होता है कुछ स्टूडेंट शैतान भी होते हैं, कुछ चुपचाप बैठे रहते हैं, इसी तरह से आप इनको मान लीजिए, ये जो स्टूडेंट्स है ना इसके डब्ल्यू एच फैमिली के, ये रूल ब्रेक करने वाले हैं। ये थोड़ा सा रूल जो है वो गड़बड़ कर लेते हैं, डोंट वरी आई विल टेल यू, मैं आपको सब बताऊंगी सिखाऊंगी, बहुत ही इजी लगेगा वो भी आपको, चलिए देखते हैं।
हु हम बहुत ही कॉमन क्वेश्चन वर्ड है ये हु अक्सर हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका यूज करते हैं इस क्वेश्चन वर्ड का लेकिन क्या रूल मैंने कहा था थोड़ा सा रूल ब्रेक करता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो कर ही नहीं सकता कोई ब्रेक वो तो सेम रहेगा क्या ब्रेक करता है मैंने आपको बोला था इंटरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन वर्ड जो होता है ना उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था डू या डज आता है लेकिन ये रूल फॉलो नहीं करता सिर्फ अफर्मेटिव में डू या डज नहीं आता आपने अभी तक देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हाइड रहता है उसकी मेन वर्ब में हम ऐसे ही ऐसे तो पहचानते हैं ये सिंगुलर है वरना प्लूरल है एक्सेप्ट आई मैं साथ साथ आपको बोलती जा रही हूँ आई वी दे यू लेकिन ये क्या ये इंटरोगेटिव होकर भी जो हु इंटरोगेटिव होकर भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना देता है लेकिन रूल अफर्मेटिव और नेगेटिव वाला फॉलो करता है ये अफर्मेटिव इंटरोगेटिव का रूल नहीं फॉलो करता अब आइए इसे भी देखते हैं ये ऐसा ही करता है हम कुछ नहीं कर सकते इसमें मैंने बताया ना कुछ स्टूडेंट्स होते हैं शैतान क्या करे अब उनको उन्हीं के तरीके से डील किया जाता है अब देखिए उसको भी हम डील कर लेंगे क्योंकि हमें अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव सब सीख लिए कोई तीनों में से कोई तो रूल फॉलो करेगा ये चलिए देखते हैं अच्छा लेकिन इसको ऐसा करना क्यों पड़ता है देखिए क्या हुआ फ्रेंड्स जो हमारा कौन जिसमें पूछते हैं ना उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है मोस्टली सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है अगर मैं ये कहूं जैसे राम ईट्स मैंगो ठीक है राम आम खाता है आम कौन खाता है तो ऑटोमेटिक जो मेरा सब्जेक्ट था मैंने उसी पर ही क्वेश्चन कर लिया तो मेरा जो डब्ल्यू एच ओ है एक तरह से जो हु है जो हु है वो किसकी तरह से वर्क कर रहा है इधर एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है और जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो उसके बाद वर्ब आती है और उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट इसलिए इसको फॉलो करना पड़ता है अब मैंने जैसे सीता एक गाना गाती है मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना शुरू में अफर्मेटिव में आप सब देखिएगा है ना सीता सिंग्स अ सॉन्ग ठीक है अब गाना कौन गाता है तो मैंने सब्जेक्ट को ही क्या बना दिया क्वेश्चन वर्ड बना दिया तो यहाँ पर क्या हो गया ये अफर्मेटिव यानी सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो जो सब्जेक्ट से शुरू होता है वो अफर्मेटिव ही हो गया ना एक तरह से तो ये होता तो इंटरोगेटिव है क्योंकि मैं इसका क्वेश्चन पूछ रही हूँ लेकिन रूल क्या फॉलो करेगा ये अफर्मेटिव और क्यों फॉलो करता है ये भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि यहाँ पर जो हु है ना वही सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है आपका और जब भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो वो अफर्मेटिव रूल फॉलो करता है और या फिर अगर इसमें नहीं लग जाता तो नेगेटिव मैं दोनों के ही आपको एग्जांपल बता रही हूँ हु अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब वर्ब पसंद लाइक्स अच्छा लाइक क्यों लिखा है मैंने लाइक्स क्यों लिखा है लाइक क्यों नहीं क्योंकि कौन पसंद करता है सिंगुलर लग रहा है ना मैं सब्जेक्ट मतलब सेंटेंसेस हमारा क्या शो कर रहा है सिंगुलरिटी सिंगुलर शो कर रहा है तो लाइक्स हु लाइक्स तो इसमें अफर्मेटिव में डू या डस तो लगता नहीं है लेकिन हमें शो कैसे करेंगे कि ये सिंगुलर है हम इसकी वर्ब की फॉर्म को मैं ऐसे यस लगा देते हैं ये मैं भी आपको पहले ही बता चुकी हूँ हु लाइक्स मिल्क देखिए राम लाइक्स मिल्क सीता लाइक्स मिल्क ठीक है अगर आई हो जाता आई लाइक मिल्क तो लाइक ही रहता फॉलो दिस ठीक है कुछ भी नहीं है ना सेंटेंसेस में बस ये नहीं मानता इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए हु को हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए क्योंकि वो कहता है मुझे तो सब्जेक्ट की जगह यूज कर लिया मैं तो सब्जेक्ट जैसा यूज हो रहा हूँ तो मैं तो अफर्मेटिव और नेगेटिव ही बन गया ठीक है अच्छा अब इसमें ही मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया दूध कौन पसंद नहीं करता यहाँ पर मैंने नहीं लगा दिया है यहाँ पर अब नेगेटिव है अब तो ये नेगेटिव हो गया तो अब तो इसे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना ही पड़ेगा अब हु को हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा क्योंकि अफर्मेटिव का रूल फॉलो कर लिया ठीक है लेकिन अब तो नेगेटिव हो गया नेगेटिव भी हमारे जिसमें नहीं लगता है उसमें हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं डू या डस हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो हु और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट मैंने अभी अभी आपको इंटरोगेटिव में बताया था इंटरोगेटिव में अगर हमें नॉट लगाना है तो डज या डू के बाद नहीं लगाते सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं ये चीज मैंने आपको बताई थी ना लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट ही खुद इधर आ गया ना जो सब्जेक्ट बना है हु डज नॉट लाइक मिल्क समझ आ रहा है कंफ्यूज बिल्कुल नहीं आप ऐसे सेंटेंस पहले पढ़ चुके हैं बस
लेकिन उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव का ही रूल आप लगाइए, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा ना आपको, अलग से कोई रूल याद करना है। अच्छा एक और सेंटेंस चलिए इसका देख लेते हैं, खिड़की से बाहर कौन झांकता है, हु, अब झांकना ये हो गई हमारी वर्ब, ठीक है, झांकता है सिंगुलर, झांकने की पीप्स आउट ऑफ विंडो, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया डब्ल्यू। अब एक्सेप्शंस में हम ऐसे क्वेश्चन वर्ड ले रहे हैं, हाउ मच, हाउ मैनी, हूज और विच, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, तो हमने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया विच। अच्छा लेकिन इसके बाद हमने लिखा था हेल्पिंग वर्ब आती है ना, डू या डस, लेकिन आपने इसमें एक चीज नोटिस की, इसमें ये पूरा ही आ रहा है विच बुक, जो विच, हूज, हाउ मैनी, हाउ मच, ऐसे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो कभी अकेले नहीं रहते, वो अपने साथ जो उनके साथ वर्ड लगा होता है ना, कौन सी पुस्तक या कौन सी बुक, वो उसको भी क्वेश्चन वर्ड बना लेते हैं, ये नाउन होता है वो अपने साथ नाउन ले लेते हैं और ये पूरा ही क्वेश्चन वर्ड बन जाता है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट देन वर्ब, स्ट्रक्चर वही फॉलो होता है, बट इसमें क्या एक्सेप्शन होता है, ये क्वेश्चन वर्ड कभी अकेले यूज नहीं होते, अपने साथ लिखा हुआ वर्ड या हम कह सकते अपने साथ का जो नाउन है वो अपने उसको भी क्वेश्चन वर्ड लगा लेते हैं, तो हम ये नहीं लिख सकते वेज डू बुक, कितना वर्ड लग रहा है वेज बुक, नो, वेज हूज हाउ मेनी और हाउ मच के साथ नाउन आता ही है, ये कभी भी क्वेश्चन वर्ड अकेले यूज नहीं होते, ये बात आप नोट कर लीजिए। तो विच बुक डू यू वॉन्ट, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, ठीक है। अच्छा अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं हाउ मेनी का, क्लास में कितने लड़के आते हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कितना, कितने के लिए हम हाउ मच भी तो यूज कर सकते हैं और हाउ मेनी भी, तो कौन सा कब यूज करना है, जैसे कि मैंने इसमें हाउ मेनी यूज करा है, हाउ मेनी हम काउंटेबल चीज के लिए यूज करते हैं जिन्हें हम फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 लाइक दिस, और हाउ मच हम तब यूज करते हैं जो अनकाउंटेबल, जब थिंग्स हमारी अनकाउंटेबल होती है जिन्हें हम फिंगर्स पर काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि इसमें बॉयज है, बॉयज को हम काउंट कर सकते हैं नंबर में, 10 boys 20 boys, और हाउ मच का यूज होगा जैसे कि मैं बात करूं हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, हाउ मच जूस, लाइक दिस, इसको हम 1 2 3 काउंट नहीं कर सकते, तो जो अनकाउंटेबल चीजें हैं, अनकाउंटेबल आइटम्स, उसके साथ लगता है हाउ मच, और जो काउंटेबल आइटम्स है उसके साथ लगता है हाउ मेनी। तो ये भी बात आप नोट कर लीजिए, कितने के लिए हाउ मच कब यूज होता है और हाउ मेनी कब यूज होता है। क्लास में कितने लड़के आते हैं, हाउ मेनी, और मैंने क्या बोला है, ये वर्ड अपने साथ नाउन भी लेते हैं, यानी पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड क्या बन जाएगा, कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अच्छा इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब आप इसमें एक चीज पूछोगे कि इसमें हमारा सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट आता है ना हेल्पिंग वर्ब के बाद, कोई बात नहीं, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो उसे स्किप करते जाइए और आगे स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाइए, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब लिख दीजिए और फिर बचा हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें एक चीज में, अगर मुझे इसमें नॉट लगाना है तो मैं कहां लगाऊंगी, डू यू, हमेशा सब्जेक्ट के बाद इंटरोगेटिव में नॉट आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्ट हु जो इससे पहले मैंने अभी बताया है, क्योंकि हु खुद ही सब्जेक्ट होता है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है जहां हु लगता है, नॉट वॉन्ट, तुम कौन सी किताब नहीं चाहते हो, तो हम नॉट लगा देंगे। अगर हमें इसमें नॉट लगाना है हाउ मेनी बॉयज, तो इसमें हम सब्जेक्ट है डू नॉट कम टू द क्लास, अब देखो इसमें क्या लग रहा है, इसमें भी एक साथ आ गया हु की तरह, ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है ना, अगर सब्जेक्ट होता
तो वो हम इधर लगा देते हैं, सपोज अगर सब्जेक्ट होता। जनरली इसमें इल में भी जो हाउ मेनी हाउ मच होते हैं, कभी कभी सब्जेक्ट नहीं होता इसमें, और कभी कभी होता है, दोनों ही चीज होती है। तो सब्जेक्ट हम यहाँ लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, नॉट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो ऑटोमेटिक डू नॉट एक साथ कंबाइन हो जाएगा। तो हाउ मेनी बॉयज डू नॉट कम टू द क्लास, पैरेंट चेंजेस। मैंने आपको जो बताया था वर्ब की फॉर्म में अफर्मेटिव में अगर सिंगुलर होता है तो उसके साथ एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन कब हमें एस लगाना है, कब ईएस, या किसी और टाइप से भी स्पेलिंग चेंजेस हो सकती है, तो डोंट वरी, मैं यहाँ पर आपको स्पेलिंग बनाना बताती हूँ, जिससे आपको मोस्टली वर्ब जो है इसमें कवर हो जाएंगी, इस टाइप की मोस्टली वर्ब्स में आपकी कवर करवा देती हूँ। अब वर्ब जो मेन वर्ब होती है, यानी जो हमारी एक्शन वर्ब है, उसके लास्ट में अगर डबल एस 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 एच सी एच या एक्स, जो भी वर्ब इससे एंड होती है उसमें हम ई एस एड कर देते हैं, बस क्या एड कर देते हैं, ई एस। जैसे मिस, ये डबल एस से एंड हो रही है, मिसेस, वॉश एस एच तो एड ई एस, सी एच एड ई एस, एक्स एड ई एस। वर्ब इसका मतलब क्या है, वर्ब सब्जेक्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई, जिसके लास्ट में तो वाई आता है, ये तो हमें देखना है, लेकिन वाई से पहले भी कॉन्सोनेंट आता है। अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, आप ए टू जेड तक जो भी होते हैं इसमें से फाइव आपके वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, इसके अलावा जो भी अल्फाबेट्स आपके रह जाते हैं वो सब आते हैं हमारे कॉन्सोनेंट में। तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई मतलब वाई और उससे पहले कॉन्सोनेंट, तो हम कैसे देखेंगे, वाई और उससे पहले कॉन्सोनेंट, वाई और उससे पहले कॉन्सोनेंट, वॉवल नहीं आ रहा, कॉन्सोनेंट, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, वाई को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह क्या लगा देते हैं, आई ई एस। स्पेलिंग चेंजेस का ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती है इसमें, जैसे वाई हमने हटा दिया स्टडी में और क्या लगा दिया, आई ई एस। ट्राई में वाई हटा दो और क्या लगा दो, आई ई एस। वेरीफाई में वाई हटा दो और क्या लगा देना है, आई ई एस। सेम विद ट्राई, आई ई एस ट्राइज। वर्ब्स एंडिंग विद वाई जो सेम वाई और वाई से तो हो रही है, लेकिन क्या डिफरेंस है, इसके पीछे ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई भी वॉवल आ रहा होगा, पहले कॉन्सोनेंट आ रहा था अब वॉवल आ रहा है, वाई और उससे पहले वॉवल ए। ऐसे ही वर्ब में क्या करते हैं, कुछ भी रिमूव नहीं करना, बस आपको क्या करना है, एस को एड कर देना है। प्लेस, सेज, पेज, प्रेज। वर्ब्स जिनके एंड में ओ आता है, बहुत ही कॉमन वर्ब है गो एंड डू, टू तो हम हेल्पिंग वर्ब की जरा यूज भी कर चुके हैं, अभी किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसमें ई एस लगता है, गोस एंड डस, दीज आर द एग्जांपल्स। इसके अलावा भी बहुत सारी जो वर्ब है पर मोस्टली यही रूल फॉलो होता है, कभी भी आपको स्पेलिंग सपोज आप भूल गए किसी भी चीज की, तो आप उनमें से कोई भी फोर रूल पहले देखिएगा, क्या ये अप्लाई हो रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग बना दीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सी वर्ब रहती है, जैसे टेक जिनके पीछे ई आता है, इट्स मींस टेक्स, गिव गिव्स, और कीप कीप्स, तो कुक कुक्स। मोस्टली वर्ब आप जितना हो सके उतना रीड करिए और उतनी देख कर जाइए, और बाय चांस अगर आपको कोई भी लगता है नहीं आ रहा तो आप फोर्थ में से अगर कोई भी ये फॉलो कर रही है वर्ब तो आप ये वाला रूल लगाइए। हियर आर सम कॉमन मिस्टेक्स व्हिच स्टूडेंट्स जनरली डू, जो स्टूडेंट्स ये कॉमन मिस्टेक टेंस वर्ब फॉर्म स्पेलिंग एंड मिसिंग वर्ड इस टाइप की मिस्टेक्स बहुत करते हैं, तो आइए देखते हैं क्या होती है मिस्टेक। सबसे पहले टेंस की मिस्टेक, टेंस की मिस्टेक क्या, हमको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना होता है कंपलसरी, वहां हम कंटिन्यूअस फॉर्म को यूज कर देते हैं, लाइक वी आर लिविंग इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था जब मैं बता रही थी इस टेंस को कहां यूज करते हैं, जो हम इंडिया में परमानेंट रहते हैं, इंडिया इज अवर कंट्री, तो ऐसे टेंसेस में, ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं, वी लिव इन इंडिया, वी आर लिविंग इन इंडिया, इट मीन्स इंडिया इज नॉट अवर परमानेंट कंट्री, हम कहीं और रहते हैं और कुछ टाइम के लिए इंडिया आए हैं। सो विच इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग।
अर्थ मूव अराउंड द सन, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, व्हिच इज करेक्ट देम और बो, और बोथ आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, बोथ आर करेक्ट बट नो, अर्थ मूव्स अराउंड द सन इट इज साइंटिफिक ट्रूथ, इसलिए हमें इसको किस में लिखना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैंने आपको दिया भी था एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, याद करिए। तो जितने भी साइंटिफिक ट्रूथ है उसके लिए क्या यूज करते हैं, तो विच वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग एंड दिस वन इज राइट। अब देखिए, ही प्ले और ही प्लेस, विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग, ही इज अ सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगता है वर्ब में, इंडेफिनिट में एस या ईएस, तो दिस इज रॉन्ग दिस इज राइट। बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है जो हम सेंटेंस लिखते समय या बोलते समय ध्यान नहीं देते हैं, मैं आपको यही मिस्टेक बता रही हूँ, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट में जनरली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट, ही ओ सॉरी दिस इज ऑल्सो दे डज नॉट डू देयर वर्क सेम राइट, इधर प्ले दिस वन इज राइट, ही ट्राइज, मैंने आपको बताया था एस या ईएस, तो जनरली क्या होता है ट्राई की स्पेलिंग होती है सी आर वाई, हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं ईएस, नो मैंने आपको एक रूल बताया था इससे पहले स्पेलिंग चेंजेस में, याद करिए जब भी जो हमारी वर्ब है वो वाई से एंड होती है और उससे पहले क्या होता है कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करते हैं रिमूव डेट वाई, इस वाई को रिमूव कर देते हैं और क्या लगा देते हैं आईईएस ट्राइस। अब बहुत ही कॉमन मिस्टेक, वी नॉट रीड बुक्स, हम किताब नहीं पढ़ते हैं, वी फॉरगेट टू यूज हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस हमेशा क्या होते हैं बस अफर्मेटिव में आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, बाकी सब में आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, दीज आर द वेरी बेसिक मिस्टेक जो जनरली हो जाती है, हम इन मिस्टेक पर ध्यान नहीं देते, लेकिन डोंट वरी स्टूडेंट्स, अब से मुझे पता है आप जरूर ध्यान देंगे क्योंकि मैंने आपको पूरा बता दिया है कहां कहां आपकी मिस्टेक हो सकती है सेंटेंस लिखने से पहले, बोलने से पहले, फॉर्म करने से पहले, इन मिस्टेक्स पर जरूर ध्यान देना है हमको। ओके, नाउ करेक्ट द सेंटेंसेस, आपने सभी स्ट्रक्चर लर्न कर लिया है, सारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर मैंने आपको डिफाइन करे हैं, हर चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। फ्रेंड्स, मैंने इधर 8 सेंटेंसेस लिखे हैं और हो सकता है कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें कोई मिस्टेक भी ना हो, पहले तो आपको ये देखना है मिस्टेक है और अगर है तो उसको करेक्ट करना है। मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगी कि मेरी वीडियो इस टाइम आप 10 मिनट्स के लिए पॉज कर लीजिए और पहले खुद ही ट्राई कीजिए, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है और आपको क्या चीज सीखने की अब जरूरत है। तो पॉज माई वीडियो फॉर 10 मिनट्स एंड करेक्ट दीज सेंटेंसेस। Now I am starting. I always waking up at 6 a.m. I क्या बता रही हूँ मैं इसमें, always baking, मैं इसमें अपना रूटीन बता रही हूँ और मैंने आपको बताया था जहां भी रूटीन होता है वहां हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करते हैं। I always wake up at 6 a.m. वेक्स आएगा या बेक, ऐसा तो नहीं, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, मैं आपको पूरा क्लियर करती जा रही हूं। आई एम वर्किंग एज अ टीचर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट्स नॉट माई परमानेंट जॉब, आई वर्क एज अ टीचर, ये भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। ये नहीं आएगा, आई वर्क एज अ टीचर, इट्स माई परमानेंट जॉब। हाउ मैनी डू दे वॉन्ट पेंसिल्स, तो इज दिस करेक्ट, वॉट इज द मिस्टेक,
मैंने आपको अभी समझाया है हाउ मैनी और हाउ मच का कॉन्सेप्ट, जस्ट इससे पहले ही। हाउ मैनी राइट, डे के साथ क्या लगता है? डू, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नो, मैंने क्या बताया था? हाउ मैनी और हाउ मच, हूज, विच, ये कभी भी सेपरेट या अकेले नहीं आते हैं। इनके साथ कोई नाउन होता है जो हम इंटरोगेट करते हैं, मतलब जिसके बारे में हम पूछ रहे होते हैं। क्या, किसके बारे में पूछ रहे? पेंसिल्स के बारे में। तो ये कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट्स? मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, पेंसिल्स, और इधर से कैंसिल, राइट? टू एंड टू इज गिविंग फोर, टू एंड टू ऑलवेज गिव्स फोर, इट इज अ फैक्ट, टू एंड टू विल नेवर गिव फाइव, सो टू एंड टू रॉन्ग एंड स्टूडेंट्स आप चेक करते जाइए, अगर आपने मेरी वीडियो पॉज की है कि आपका कितना सही है कितना गलत, और क्या चीज आपकी मिस्टेक आ रही है, क्या करेक्शन आप नहीं कर पाए, वो फिर से आप जाइए मेरी वीडियो में और फिर से देखिए, जरूर आपको समझ आएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो कर रहे हैं। डज नॉट शी राइट अ लेटर? आई थिंक दिस इज करेक्ट, ओके, करेक्ट, बिकॉज शी के साथ डज यूज हो रहा है एंड सिंगल इंटरोगेटिव का रूल तो यही है कि आप एक पत्र लिखती है। नो, इट इज रॉन्ग। मैंने क्या बताया था आपको? अगर इंटरोगेटिव है और उसके साथ एक ना, एंड वन मिस्टेक मोर, दिस क्वेश्चन वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, आपको इसका भी ध्यान रखना है। इंटरोगेशन में हमेशा ये मार्कर, इंटरोगेटिव, मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटरोगेटिव में अगर हमें नॉट लगाना है, नेगेटिव भी है, तो वो कहां आता है? सब्जेक्ट के बाद। हाँ, कुछ मैंने एक्सेप्शन बताए थे डबल इंटरोगेटिव में, कि अगर सब्जेक्ट नहीं है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो हमें सिंपल रूल फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इनमें तो सब्जेक्ट है तो हम कहां लगाएंगे इसको? इधर से कैंसिल और दर्श। देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, अब ये बहुत मिस्टेक्स होती है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रही हूं आपको। ये तो बिल्कुल सही, ही स्टडीज इन सिक्स क्लास, सिक्स क्लास में पढ़ता है, एस भी जुड़ गया, क्या जुड़ गया, बताइए कोई मिस्टेक हो तो। करा आप लोगों ने ठीक, करेक्शन किया इसमें कुछ? जिस स्टूडेंट्स ने मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया होगा, ध्यान से सुना होगा, उसने जरूर किया होगा। मैंने आपको एक टॉपिक बताया था स्पेलिंग मिस्टेक्स का, उसमें ये क्या है? स्टडी। ये क्या है आपका? स्टडी, ठीक है। स्टडी में मैंने बताया था जिसकी फॉर्म, जो वर्ब वाई पर खत्म होती है और उससे पहले क्या आता है? कॉन्सोनेंट, तो उसमें हम वाई को रिमूव कर देते हैं और क्या लगाते हैं? स्टडीज, तो उसमें क्या आएगा? स्टडीज। नाउ इट इज करेक्ट। द स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स, हु डू कम टू योर हाउस डेली, तुम्हारे घर डेली कौन आता है? इज इट करेक्ट? ये भी मैंने एक्सेप्शन में बताया था आपको, हु के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस वाला रूल फॉलो होता है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला, और इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तुम्हारे घर रोज कौन आता है, उनके साथ क्या आएगा? कौन आता है, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, हु कम्स, हु के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही आती है मोस्टली। सर, वेरी इजी, दिस इज अ यूनिवर्सल रूल, देखती समझ आ रहा है। इज कैंसिल, वेन टू यूज में एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, ये दोबारा वीडियो देखिए। सो दे आर करेक्ट नाउ, ऑल सेंटेंसेस आर करेक्ट। सो फ्रेंड्स, यहां पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस फिनिश होता है। सो फ्रेंड्स, यहां पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस फिनिश होता है। जितनी चीजें पॉसिबल थी मैंने सब आपको बता दिया, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, वेयर टू यूज, हाउ टू यूज, स्पेलिंग चेंजेस, कॉमन मिस्टेक, एंड लास्ट में प्रैक्टिस एक्सरसाइज, वो भी मैंने आपको भी बताई है। तो लास्ट में एक से
नेगेटिव और इंटरोगेटिव लास्ट में। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आर यू रेडी? ओके, आप अपनी नोटबुक में केवल इतना नोट करिए, पहले पॉज माय वीडियो एंड राइट दिस सेंटेंस इन नेगेटिव फॉर्म, सिंगल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। आप लोग खुद लिखिए, देन यहां से देखिए कि आपकी क्या मिस्टेक्स आई है। आप इसको मत देखिए, सिर्फ इतना लिखिए, ठीक है? मैं बताती हूँ। ही राइट्स अ लेटर, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। ही क्या है? सिंगुलर, इसके साथ एस लग गया, ठीक है? अब इसको हमें नेगेटिव बनाना है। मैंने बोला अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब आपकी हाइट रहती है, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में वो वर्ब छिपी हुई बाहर आ जाती है। तब हम वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब में ही डू या डस लगाते हैं। अब ये सिंगुलर है तो डस लगेगा, डू नहीं लगेगा। आप चेक करिए, मैंने लिखा है कहां डू लगता है, कहां डस लगता है। ही डस नॉट राइट अ लेटर, दिस इज नेगेटिव। अब बात करते हैं सिंगल इंटरोगेटिव, मतलब यस और नो टाइप सेंटेंसेस की। अब मैं बोलना चाह रही हूं, क्या वह लेटर लिखता है, क्या वह एक लेटर लिखता है? तो कहां से शुरुआत होती है जो यस और नो टाइप वाले यानी सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं? डज या डू से। मैंने अभी आपको दोनों में बताया सिंगुलर है, तो कहां से स्टार्टिंग होगी? डज। डज के बाद क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी मिस्टेक हो जाती है, डज भी लगा देते हैं और यहाँ पर भी एस ऐड कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। जहां हेल्पिंग वर्ब आती है डू या डज, केवल हम वही देखते हैं डू लगेगी या उसमें ईएस ऐड होके डज लगेगी, तब हमें वर्ब की फॉर्म नहीं देखनी होती, केवल फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, डज ही राइट अ लेटर, ठीक है? अब मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ वह क्या लिखता है, तो वह क्या लिखता है? डबल इंटरोगेटिव हो गया, डब्ल्यूएच फैमिली से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यानी क्वेश्चन वर्ड, वह क्या लिखता है, क्या, व्हाट। व्हाट के बाद मैंने क्या बताया था आपको, हेल्पिंग वर्ब आती है, सिंगुलर चल रहा है, ये भी सिंगुलर रहेगा। व्हाट डज, इसके बाद आता है सब्जेक्ट और इसके बाद वर्ब, और अगर व्हाट डज ही राइट, वह क्या लिखता है, कोई ऑब्जेक्ट है तो वो आएगा। अच्छा, अब मैंने एक और चीज बताई थी, अगर इंटरोगेटिव में ही नेगेटिव हो, क्या वह लेटर नहीं लिखता है, तो कहां आएगा यहां पर, कहां पर आएगा? नॉट। सब्जेक्ट के बाद मैंने आपको बताया था और कुछ एक्सेप्शनल केस बताए थे, उनके अलावा कहां आता है? मेन स्ट्रक्चर जो रहता है नॉट। इसमें भी देखिए नॉट, दोनों में सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा नॉट आना है। किसी भी टेंस में आगे भी आप पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट नॉट नहीं आता है, जैसे नेगेटिव में आता है, इंटरोगेटिव में डायरेक्ट नॉट नहीं आता, चाहे कोई भी टेंस हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है। ये बात आप नोट कर लीजिए, ये आगे भी काम आएगी 12 टेंसेस में, ठीक है? तो ये हो गया, और इसमें कॉमन देखिए, अगर वर्ड हटा दे तो बिल्कुल सेम हो गया, और लेटर आगे लगा के, ठीक है फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, यहां पर मैं बिल्कुल फिनिश करती हूँ, अब कुछ भी इसमें नहीं बचा है, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से क्लियर कर दिए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पर डाउट है, मैं ट्राई करूंगी उसमें आगे सेशन में फिर से लेने का, या कौन सा टॉपिक और आपको पसंद है उसे कवर करवाने का। अभी तो मैं ये 12 टेंसेस ही पहले कवर करवाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।